एक बेटा आंख खोल के रंबा अप्सरा प्रकट हो गई है रुद्र रूप में, जी गुरु जी, दिख रही है? डर लग रहा? कहाँ पे है उंगली से बताओ कि ट्रांसफर जो तुम ले रहे हो क्या कारण है? पैसा कमाने के लिए, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए? ये फोन थोड़ा इधर घुमा दो, लाल दीवार आ रही ना पीछे से, तो मजा नहीं आ रहा। लाल रंग का दीवार जो आ रहा ना, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। हाँ, थोड़ा और पीछे कर दो फोन को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दो तीन सवाल पूछूं, आवाज आ रही है? अब मुझे ये बताओ, क्या इससे पहले कोई शक्ति देखी है? पहले नहीं गुरुजी, पहली बार शक्ति देखने जा रहे हो? गुरुजी कोई तुम्हारे सर पे अपने बंदूक रख के तो नहीं बुलवा रहे कि भाई यहाँ शक्ति देख के बता? हाँ नहीं गुरुजी, ठीक, तुम अपने घर पे हो? मेरे पास तो नहीं हो ना? नहीं गुरुजी, आजाद हो घर ना? पे। हर चीज के लिए आजाद हो ना? दिखे तो है, नहीं तो नहीं। ठीक है ना, सुनो, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। शक्ति बहुत तरह की है दुनिया में, अलग अलग तरह के अवसर आए हैं, ठीक है? परियां हैं, गंधर्व कन्या है, बेताल हैं, यक्ष हैं, यक्ष कन्या हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है ना? और तुम चाहते हो कि तुमको रंभा अप्सरा का ट्रांसफर दिया जाए। एक सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। हमारे यूट्यूब पे कमेंट किया था एक ने कि गुरु जी ऐसे कितनी अप्सराएं होती हैं? अप्सरा तो एक होती है, कि एक रंभा का कितने आदमियों को ट्रांसफर देते हो? जैसे कि एक शक्ति एक जगह भी होती है, हजार जगह भी मौजूद होती है एक समय में। ये बहुत बड़े लेवल की शक्तियां हैं, अप्सराएं हैं, ये अमर हैं, ये कोई मरती नहीं है, इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे जिन प्रेत को भी हम बंदी बना लेते हैं, इन्हें नष्ट कर देते हैं, अप्सराओं को नहीं किया जा सकता। एक रंभा के करोड़ों खरबों रूप हैं, जितनी जरूरत पड़ेगी उतने रूप बनते रहेंगे। एक वो हर जगह है, एक वही हर जगह है। तो ये हो गया सवाल का जवाब। अब हम तुमको ट्रांसफर देंगे। दीपक जलाऊंगा। दीपक जलाओ। कर लो। ओम त्राटा ओम त्राटा ओम त्राटा ओम त्राटा। हे रंभा अप्सरा प्रकट हो, चल देख बेटा आँख खोल के, रंभा अप्सरा प्रकट हो गई है रुद्र रूप में, दिख रही है? डर लग रहा? कहाँ पे है उंगली से बताओ। कोई जोर जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर अपने मन से कह रहे हो? शक्ति है कि नहीं है ये बताओ। दिख रही है ना आंखों से? देख रहे हो ना? ऐसा तो नहीं मैंने तमंचा रख दिया तुम्हारे सर पे क्या? भाई बता, ये रंभा अप्सरा बिल्कुल सामने प्रकट है। ये रंभा अप्सरा, जो वचन जो भी इसने तुमसे मांगा है ना, वो पूरा कर देना, बस इतना ही कहना। अब अदृश्य हो जाओ, आंख बंद करो बेटा, अदृश्य हो जाओ। देखो बेटा अदृश्य हो गई होगी।